डॉक्टर लॉगिन करते हैं डॉक्टर राहुल प्रसाद जब वो लॉगिन करेंगे तो उनके चॉइसेस यहाँ पे यहाँ से भी बढ़ जाएगा मेन्यूज यहाँ पे आ जाएगा तो जैसे वो डॉक्टर हैं और वो किसी न किसी क्लिनिक से जुड़े हुए हैं तो उनका कंसल्टेंट प्रोफाइल बना हुआ है अपना डॉक्टर प्रोफाइल तो है ही है पर कंसल्टेंट प्रोफाइल में बना हुआ है तो उस कंसल्टेंट प्रोफाइल पे जब आके देखेंगे तो उनको यहाँ पे दिखेगा कि आज के कोई अपॉइंटमेंट्स सब ऑलरेडी बुक्ड हैं या नहीं हैं और अगर हैं तो यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं पर नॉर्मली वो यहाँ पे बड़े डैशबोर्ड पे जाएंगे कंसल्टेंट डैशबोर्ड पे यहाँ से जा सकते हैं या फिर यहाँ मेन्यू से यहाँ जा सकते हैं कंसल्टेंट तो नहीं एक ही काम करेगा अगर ऐसा है कि वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह अभी नहीं करते हैं सीधे वॉक इन होता है तो सिंपली यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन बनाना शुरू कर सकते हैं यहाँ से करें तो ऐसे ये पूछेगा एक छोटा सा कि आप प्रिस्क्रिप्शन रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं कि लैब रिपोर्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि तो सिस्टम कंसल्टेंट टाइप में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है तो आपसे पूछ लेता है कि आप पैथोलॉजिस्ट हैं कि कोई और है अगर आप कहेंगे नहीं हमको लाइव रिपोर्ट नहीं बनाना है तो इस तरह का स्क्रीन खुलेगा इस स्क्रीन में उनका नाम तो पहले से आएगा डेट वेट आ जाएगा पर उनको पेशेंट स्पेसिफाई करना है अगर उन्होंने पेशेंट पहले से जैसे कोई पेशेंट रिकरिंग है तो उसका रिकॉर्ड पहले से होगा तो वो यहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हैं जैसे कि शिवाक्ष तो शिवाक्ष के नाम आ गया अगर उसका आईडी भी है उसका नाम भी है तो कंफर्म करके वो डाल देंगे जैसे वो डालेंगे तो उसका नाम उसका एज अगर बर्थ डेट पहले से है तो आगे जेंडर आगे ये सब खुद ब खुद, खुद आ गया फोटो भी आ जाएगा आगे उसके बाद आप यहाँ कंप्लेंट्स जो भी बोल रहा है कब कॉल्ड तो आप डालते जाइए ऐसे टाइप करते जाइए या बोल के करिए जैसे कंप्लेंट्स होता है मेनली वाइटल्स हम रिकॉर्ड करते हैं कभी-कभी सेंस का तो वो कर सकते हैं और फिर लैब टेस्ट सपोर्ट करना सजेस्ट करना है जैसे सीबीसी तो जो जो करना है टाइप करते जाए बस ऐसे सर्च करते जाना है ऐड करते जाना है मेडिसिन की जब बात आती है तो मेडिसिन में आएंगे यहाँ पर फिर मेडिसिन लुकअप करेंगे जैसे जैसे हम कॉमनली अभी यूज कर रहे हैं एजेक्स एजेक्स फाइव हंड्रेड अब ये डाल दिए उसके अलावा हम क्या डालते हैं कि कितना टेबलेट yes. खाना है कितना फ्रीक्वेंसी पे खाना है सुबह दोपहर शाम कब तक खाना है तो ये सारी डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं एज यूजुअल जो वॉइस से या लिख के कर सकते हैं इसमें कमेंट डाल सकते हैं कि कुछ और एडिशनल करना है जब कमेंट डालते हैं तो लिख के डाल सकते हैं या फिर हम यहां पर बोल के रिकॉर्ड करके जैसे 4 दिन खाइएगा बोल दिए तो ये तो हम इसको जैसे रिकॉर्ड किए फिर अपलोड करेंगे और कहेंगे फोर डेज में लिखना है नहीं लिखना है क्योंकि हम वॉइस में बोल ही दिए तो करके फाइनली हम इसको सेव करेंगे और सेव करके डोज में चूंकि नहीं लिखे हैं कुछ तो यहाँ नहीं आ रहा भूल गए लिखना फिर से लिखना है तो यहाँ वापस आके एडिट करके हम लिख सकते हैं एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम सबका अपना तरीका है लिखने का हम इसलिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। जिसको जैसे लिखना है लिखिए और फिर सेव कर दिए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रिंट व्यू में भी ही दिखाएगा वॉइस भी है है ठीक अब इस दवाई का किसी को कंफ्यूज कि अरे 500 था क्या था तो यहाँ व्यू डिटेल में जाएंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में उसकी सारी जानकारी है कि किस मार्केटेड बाय क्या है फोटो तो इस तरीके से वहां से वो चीजें आ जाएंगी और ये सब करके ओवरऑल कमेंट भी अगर कुछ देना है चार पाँच दवाई लिख दिए सब टेस्ट लिख दिए वॉइस कमेंट भी डाल सकते हैं ओवरऑल पे दवाई के हर दवाई पे लिखे और ओवरऑल लिखे अगर कोई फाइल अटैच करना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे कि पहले का को कोई फाइल है या नया कोई फाइल यहाँ से डालना है जैसे मान लीजिए कि हम कोई फोटो खींचे हैं कोई एक्सरे है या कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो वो भी अटैच करना है तो कर सकते हैं हर एक कटोल जैसे वेजैक्स के बाद हम अगर कोई मान लीजिए डाले हैं कर रहे हैं अभी तेज ग्लुकोन डी ठीक है ग्लूकोन डी कहून हर दवाई के सामने उसका कमेंट उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है दवाई बाय दवाई लिखा रहेगा डिटेल देखना है फिर से कंफर्म करना है कर लीजिए दाम सब अगर है तो दिखेगा और फिर सेव कर ली तो ये आप बना रहे हैं पेशेंट को कैसा दिखेगा वो ये व्यू है एडिट करने के समय कुछ अलग लेकिन पेशेंट को जैसा दिखना है वो यहाँ से दिखेगा प्रिंट करके देना है तो यहाँ से प्रिंट दबाइए और ये प्रिंट फ्री भी आएगा ठीक है ऐसे फिर कुछ और के पांच दिन बाद में अब सेव पीडीएफ करिए या प्रिंटर लगा है तो प्रिंटर पे कर लीजिए तो इस तरीके से यहाँ पे तो यहाँ पे तो जैसे फोटो पीछे दिख रहा था वैसे फोटो आएगा जिस जो भी टेम्पलेट हम बनाए हुए